हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पर आपका कोई चैनल है और आप अपने चैनल के माध्यम से ऑडियंस से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या उनके किसी टॉपिक पर राय लेना चाहते हैं, पर आपको ये नहीं पता कि ये सब कैसे करते हैं, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप यूट्यूब पर क्वेश्चन कैसे अपलोड कर सकते हैं और या फिर वोटिंग पोस्ट कैसे अपलोड कर सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ हैं, वो आपको आपकी राय देंगे, वो परसेंटेज में होगी, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो छोटी सी है पर काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें ताकि आपको मेरे आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन किया हुआ है। तो अगर आप ये अपने फ़ोन से भी करना चाहते हैं तो फ़ोन में भी आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और इन स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेना है, www.youtube.com डाल के, ठीक है। यूट्यूब पे आ गए और अपने चैनल में लॉगिन कर लेना है। मैंने लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद आपको चैनल के आइकन के ऊपर यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूअर चैनल के अंदर जाना है। यूअर चैनल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने काफ़ी सारे टैब्स आ जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक कम्युनिटी का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर टैप करना है और यहाँ से आपको स्क्रोल डाउन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे डालेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, या उसे वोटिंग पोस्ट क्यों कहते हैं ये भी बता दूंगा मैं आपको लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस पोल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप कुछ भी क्वेश्चन ऑडियंस से पूछ सकते हो या कुछ भी राय मांग सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। इस तरीके से मैंने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया, हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ऐड ऑप्शंस में आप ऑप्शन डाल सकते हैं, जैसे टैक्स रिलेटेड चाहिए या एजुकेशन से। इसमें दो ऑप्शन तो हो गए, उसके बाद यहाँ पे ऐड अनदर ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसमें और भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉमेडी, और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, फेसबुक, और ऐड कर सकते हैं व्हाट्सएप। यहाँ पे आप मैक्सिमम 5 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे विजिबिलिटी का एक ऑप्शन आता है, इसके यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप पब्लिक कर सकते हैं कि पब्लिक सबको दिखाई देगी, पब्लिक में चैनल मेंबर्स में जिसने आपके चैनल को ज्वाइन किया हुआ है उसी को दिखाई देगी, उन्हीं मेंबर्स को। सिल्वर और हायर है यहाँ पे, गोल्ड एंड हायर है, डायमंड एंड हायर है, जो मेंबर्स हैं उनमें ये कैटेगराइज है, सिल्वर गोल्ड डायमंड, उनके अकॉर्डिंग उनको दिखाई देगा आप जिसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं पब्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पोस्ट है, तो जैसे मैं इस पोस्ट पे क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये इस तरीके से पोस्ट हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये पोस्ट हो गया है। तो अब जो ये पोस्ट हुआ है, अब इसे वोटिंग पोस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी अगर जिसके भी सामने ये जाएगा, ये क्वेश्चन जाएगा, तो वो यहाँ पे जैसे उसको अगर एजुकेशन पे चाहिए तो वो इसको सिलेक्ट करेगा, तो उस हिसाब से उसकी परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगी। तो इसलिए इसे वोटिंग पोस्ट कहते हैं, जिसके ज़्यादा वोट्स होंगे, जितने ज़्यादा जिस टॉपिक पे वोट होंगे उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। इस तरीके से आप राय ले सकते हैं औरों से, आप किसी और टॉपिक पे भी राय ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप YouTube में क्वेश्चन अपलोड कर सकते हैं या फिर वोटिंग पोस्ट अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आप किस तरीके से यूट्यूब पर क्वेश्चन अपलोड कर सकते हैं या फिर वोटिंग पोस्ट जिसे हम कहते हैं वो अपलोड कर सकते हैं और लोगों से उनकी राय जान सकते हैं। फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।